हाय, दिस इज़ भरत एंड वेलकम अगेन टू भरत के एम ऑनलाइन पाठशाला। ये वीडियो हमारा हाइड्रोलॉजी के रिलेटेड है और आपने कुछ चीज़ें सुनी होगी, जैसे मेजरमेंट ऑफ प्रेसिपिटेशन, रेन गेज, रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज, नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज, साइमंस रेन गेज, इस तरीके की चीज़ें सुनी होगी। और इन सारी चीज़ों में से ही ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, सिंपल वैसे पूछते हैं कि रिकॉर्डिंग टाइप विच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट विद रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज, मतलब या फिर ऐसे बोल लेगा कि कौन सा ऑप्शन में रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज है और कौन से ऑप्शन में रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज नहीं है, मतलब नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज है। इस तरीके से आपको वो कुछ चीज़ें पूछेगा। उससे पहले हम एक चीज़ समझते हैं कि रेन गेज यूज़ क्यों आता है। तो इससे पहले मेजरमेंट ऑफ प्रेसिपिटेशन में दे रखा है, प्रेसिपिटेशन एज रेनफॉल इज मेजर्ड बाई ए डिवाइस नोन एज रेन गेज। तो रेन गेज क्या होता है, एक डिवाइस का नाम है जो प्रेसिपिटेशन कैलकुलेट करने के काम आते हैं कि कितना प्रेसिपिटेशन हुआ है रेनफॉल से। ओके, सेकेंड पॉइंट यहाँ पर लिख रखा है कि रेन गेज इज ऑल्सो नोन एज, अब देखो जरूरी नहीं कि वो रेन गेज ही दे, हमें कुछ और चीज़ें भी दे सकता है। तो रेन गेज के कुछ अलग अलग नाम है, तीन और नाम है, वो क्या है, ओम्ब्रोमीटर है, एक तो ओम्ब्रोमीटर है, दूसरा क्या है, हाइक्टोमीटर, और तीसरा है प्लूवियोमीटर। तो चारों चीज़ आपको ध्यान रखनी है। पहली बात तो क्या ध्यान रखनी है कि रेन गेज किस काम में आता है। रेन गेज एक तरीके की डिवाइस है जो रेनफॉल से जितना भी प्रेसिपिटेशन हुआ है उसको कैलकुलेट करने के काम आता है। ओके, मेजर करने के काम आता है। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि रेन गेज को अलग अलग नाम से भी हम जानते हैं, एक तो है ओम्ब्रोमीटर, दूसरा है हाइक्टोमीटर और तीसरा है प्लूवियोमीटर। ठीक है, अब अलग अलग तरीके के रेन गेज हम देख लेते हैं कि कौन सा अलग कौन कौन से टाइप के रेन गेज होते हैं। देखिए, टोटल दो तरीके के रेन गेज होते हैं। यहाँ पर लिख रखा है टाइप ऑफ रेन गेज, इसमें पहला है नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज और एक दूसरा आता है रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज, दूसरा आएगा रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज। वैसे देखो इसमें थ्योरी पार्ट बहुत सारा है, लेकिन हमें थ्योरी पार्ट नहीं पढ़ना है, जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ आपको वही ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव में वही चीज़ पूछेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं पूछेंगे। हाँ, अगर कोई कन्वेंशनल एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो जब तो आपको पूरा पढ़ लेना, मैं समझा नहीं रहा हूँ और यहाँ पर मैं बताऊँगा भी नहीं। जो हमारा हाइड्रोलॉजी का लेक्चर बाय लेक्चर डिटेल्ड जो वीडियो सीरीज है उसमें मैंने इसको अच्छे तरीके से समझा रखा है, उसमें चैप्टर बाय चैप्टर चल रहे हैं, लेक्चर बाय लेक्चर हर एक चीज़ को समझा के चल रहे हैं। ये स्पेशल सीरीज है, इसमें हम इंपॉर्टेंट चीज़ें देख रहे हैं जो ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं और आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, तो पहले तो आपको क्या ध्यान रखना है, दो चार चीज़ें तो मैंने आपको ऊपर बता दी क्या क्या ध्यान रखना है। उसके बाद में आपको ये ध्यान रखना है कि एक रेन गेज होता है साइमंस रेन गेज, एक होता है साइमंस रेन गेज, ये एक तरीके का नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज है। देखो लगने में ऐसा लगता है कि साइमंस रेन गेज बहुत ज़्यादा हमें सुनने में लगता है ना, इसलिए ऐसा लगता है कि साइमंस रेन गेज रिकॉर्डिंग टाइप का रेन गेज है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी लास्ट बार जो एसएससी की एग्जाम लगी थी उसमें सिंपल तरीके से एक क्वेश्चन आया था कि कौन सा रेन गेज नॉन रिकॉर्डिंग टाइप है, फिर इसमें साइमन दे दिया था और आगे अभी और पढ़ेंगे अलग अलग तरीके के रेन गेज। तो हमें करेक्ट आंसर ये था कि ये वाला साइमंस ही नॉन रिकॉर्डिंग टाइप है। तो सबसे पहले आपको क्या सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो क्या ध्यान रखनी है कि नॉन रिकॉर्डिंग टाइप एक ही तरीके का पूछेगा आपको, वो क्या है, साइमंस रेन गेज है। ठीक है, ये साइमंस नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज है। दूसरी बात, इस साइमंस रेन गेज को हम ओपन एरिया में लगाते हैं। ओके, कहीं भी नहीं लगाते इसको, जहाँ पर ओपन एरिया होगा वहाँ पर हम इसको इंस्टॉल करते हैं, एक कंक्रीट के फाउंडेशन के ऊपर। ठीक है, पहले कंक्रीट का फाउंडेशन बनाते हैं कुछ, उसके ऊपर कहीं ओपन एरिया में उसके ऊपर इस साइमंस रेन गेज को इंस्टॉल करते हैं। और ये जो साइमंस रेन गेज है ये एक तरीके का नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज है। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में सेकेंड आता है रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज। रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कौन सा होता है, टिपिंग बकेट टाइप, ये एक तरीके का रेन गेज है, ये रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज है, टिपिंग बकेट टाइप। ठीक है, दूसरी बात इसके आपको ये ध्यान रखनी है कि जो भी माउंटेनियस एरिया है, ये जो मैं बता रहा हूँ वही इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा ये जो लिखा हुआ है ना वो नहीं आएगा। जो माउंटेनियस अगर कोई एरिया है, माउंटेनियस जगह है और वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे प्लेसेस इनअसेसिबल है, मतलब जो वहाँ पर इजीली विजिबल नहीं है, वहाँ पर भी हम टिपिंग बकेट टाइप को हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो दो बात पता लग गई आपको कि टिपिंग टाइप बकेट, एक तो रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज है और दूसरा माउंटेनियस एरिया में हम इसको मोस्टली यूज़ करते हैं।
उसके बाद में आगे चलते हैं, दूसरा आता है वेइंग बकेट टाइप, वेइंग WEIGHING, वेइंग बकेट टाइप, ये भी एक तरीके का रिकॉर्डिंग रेन गेज है, ठीक है। एक मास कर्व बनता है, वो भी इस वेइंग बकेट टाइप रेन गेज से ही बनता है मास कर्व, ठीक है। ये जो मास कर्व होता है ये किस किस बीच में ग्राफ, किस किस चीज़ के बीच में ग्राफ होता है, एक्स एक्सिस पे हमारा रहता है टाइम और वाई एक्सिस पे हमारा रहता है क्यूमुलेटिव वेट या फिर वॉल्यूम या फिर डेप्थ, ओके, किसकी, प्रेसिपिटेशन की। तो यहाँ पर भी दो चीज़ पता लग गई आपको कि वेइंग बकेट टाइप एक तरीके का रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज है और मास कर्व भी इस वेइंग बकेट टाइप से ही बनता है और मास कर्व एक्स एक्सिस पर रहता है टाइम और वाई एक्सिस पर क्यूमुलेटिव वेट या फिर क्यूमुलेटिव वॉल्यूम या फिर क्यूमुलेटिव डेप्थ होती है प्रेसिपिटेशन की, ठीक है। इसके बाद में आगे चलते हैं, इसके बाद में आता है थर्ड, वो है नेचुरल साइफन टाइप और इसी का एक अलग नाम है फ्लोट टाइप गेज, ये भी एक तरीके का रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज है। और इसके साथ ही एक इम्पॉर्टेंट बात है वो ध्यान रखनी है आपको कि इंडिया में स्टैंडर्ड रिकॉर्डिंग टाइप रिकॉर्डिंग रेन गेज हम यूज़ करते हैं ना, वो यही करते हैं, कौन सा, ये नेचुरल साइफन टाइप या फिर फ्लोट टाइप। हम तो यहाँ पर आप नोट डाल के एक लिख लेना कि इट इज़ यूज्ड एज स्टैंडर्ड टाइप ऑफ रिकॉर्डिंग गेज इन इंडिया, ओके। रिकॉर्डिंग गेज तो है ही, वो तो पता ही है, लेकिन स्टैंडर्ड टाइप में आपको बोले इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि स्टैंडर्ड टाइप का रिकॉर्डिंग गेज इंडिया में कौन सा है, कौन सा यूज़ करते हैं, और आपको ये दे देगा टिपिंग बकेट टाइप, वेइंग बकेट टाइप और नेचुरल साइफन या फिर फ्लोट टाइप बकेट, तो आपको इजीली करेक्ट करना है कि ये वाला होता है। अब आपको किसी भी तरीके से क्वेश्चन वो पूछ सकता है कि इसमें से रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज कौन सा है, नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज कौन सा है, ओके, इंडिया में कौन सा यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड टाइप रिकॉर्डिंग गेज, और ऐसे पूछ सकता है कि माउंटेनियस एरिया में कौन सा गेज यूज़ करते हैं और गेज रेन गेज किस लिए काम में आते हैं, वो बोल देगा प्रेसिपिटेशन आपने काम आता है वगैरह वगैरह कुछ कुछ बोल देगा आपको। तो ये जो मैंने इंपॉर्टेंट बातें बताई है, ऐसे पूछ सकता है कि मास कर्व कौन से टाइप के गेज से हम बनाते हैं, तो आप इजीली बताओगे कि वेइंग बकेट टाइप से हम मास कर्व बनाते हैं। ऐसे पूछ सकता है कि मास कर्व किस किस के बीच में ग्राफ होता है, तो आप बोलोगे टाइम एंड क्यूमुलेटिव वेट के बीच में ग्राफ होता है प्रेसिपिटेशन के, है ना। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने आपको बता दी, एक बार वापस से वीडियो देख लो। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो इन चीज़ों को पढ़ लेना, वैसे किसी काम की नहीं है अभी तो। अगर कन्वेंशनल एग्जाम है और आपको 20 नंबर में ये क्वेश्चन आ गया तो आपको हर एक चीज़ लिखनी पड़ेगी तरीके से, लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप में इसके अलावा इसमें से कुछ नहीं पूछेंगे, घुमा फिरा के इन्हीं को पूछेंगे। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा होगा तो आप किसी भी तरीके का क्वेश्चन कर पाओगे। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो किसी नई चीज़ के साथ मिलेंगे। थैंक यू।